आज का खाना लाजवाब होगा मेरी जान। आंद्रियास, हमें बात करनी होगी। आपकी आवाज में मैं मायूसी महसूस हो रही है। यहीं से तो रिश्तों की डोर टूटने की शुरुआत होती है। जानती हूँ, मैंने कई बार तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी कुछ कह नहीं पाई। अब ये मत कहिएगा इसकी वजह हमारी बीमारी है। जाने मन, लेकिन साथ रहने की इससे बेहतर वजह क्या हो सकती है? आप समझ रही हैं ना, हमें इसे जिंदगी भर ढोने की जरूरत नहीं है। ये रिश्ता कोई बोझ नहीं है, हमारा प्यार खुशियों की सौगात है, क्योंकि इसमें सादगी है, बंदगी है, दासगी है, और सबसे जरूरी बात एक नई उम्मीद है। जानती हैं क्यों? क्योंकि हमें गुड बाय करने के बाद आप किसी और को वेलकम कह सकती हैं। हमारा प्यार यूरो रेल के सफर की तरह है, जिसकी शुरुआत हुई थी रोम से, उसके बाद वियना। अगर आप वियना से ऊब जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद आता है इस्तांबुल। क्या आप हमसे तलाक चाहती हैं? हाँ। क्या मैं अभी आपका ऑर्डर ले सकता हूँ सर? नहीं, अभी नहीं, इनका ग्लास भरने की जरूरत नहीं है। लगता है इनका जाम भी हमें ही पीना पड़ेगा। हम एक बात जानना चाहते हैं, एक छोटी सी बात, सिर्फ एक बात। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? क्या कोई और है? अब बस भी करो आंद्रेस। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। क्या इसी डायलॉग के साथ हमारी लव स्टोरी का दी एंड होगा? हमने जिंदगी भर वफा निभाई, अपनी जिंदगी के हर पल में, हर फैसले में हमने वफा निभाई है, और अब हमें सी ग्रेड फिल्मों के डी ग्रेड डायलॉग सुनने को मिल रहे हैं। आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया जो हमें सुनना पड़ रहा है कि अब बस भी करो?